तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हो गए आपके अपकमिंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 17 मार्च को होगा। ये फुल लेंथ मॉक पेपर है और AIS के द्वारा ये मॉक पेपर तैयार किया गया है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर आपकी प्रिपरेशन में आपकी सहायता करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, यहाँ पे जो आपको मैचिंग करना है, सेंसस सिनेरियो दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कि मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है। मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन तो दोस्तों ये है श्रावस्ती में, श्रावस्ती में मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन दोस्तों है सीतापुर में। ठीक है, लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ये बागपत में है और हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन तो कानपुर में है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखें, ये सेंसस 2011 से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ भी आपको सही मिलान करने हैं। कुछ मिनरल्स दिए गए हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कि कौन सा मिनरल यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। बात करते हैं बॉक्साइट की, तो दोस्तों ये यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। पायराइट की बात करते हैं तो यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जिप्सम की बात करते हैं तो हमीरपुर में, और चाइना क्ले की बात करते हैं तो ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के मिलती है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है और गलत है। इसमें दिया गया है पहला स्टेटमेंट कि आल पेनिनसुलर रिवर यानी साउथ इंडिया की जो नदियाँ हैं वो वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करती हैं, वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करती हैं। अगला स्टेटमेंट है कि सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। फ्रेंड्स, तो इसका स्टेटमेंट 2 इज बिल्कुल करेक्ट है, वो स्टेटमेंट पहला गलत है क्योंकि सभी जो नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया की वो वेस्ट से ईस्ट फ्लो नहीं करती हैं। नर्मदा तापी ऐसी नदी कई रिवर्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे जोन और हेडक्वार्टर से रिलेटेड, आपको बताना है किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आपको सही आंसर यहाँ पे बताने हैं, सही मैच कौन से करते हैं। तो नॉर्थ, यहाँ पे जो सही आंसर है दोस्तों वो 2 और 3 है, यानी साउथ सेंट्रल रेलवे ये है सिकंदराबाद में और नॉर्थ वेस्ट रेलवे ये जयपुर में है। बाकी जो दिए गए हैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है साल्ट वाटर लेक इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डिजर्ट इज, तो साल्ट वाटर लेक जो है थार डिजर्ट में उसको सांभर लेक के नाम से जाना जाता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन रावी रिवर से है, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्ट ऑफ रोहतांग पास, तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो रावी रिवर है रोहतांग पास से निकलती है। इंटायर फ्लो इज इन इंडिया ओनली, तो ये गलत है, रावी रिवर जो है भारत में नहीं पाकिस्तान में भी बहती है। फ्लोज इन चंबल वैली, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, रावी रिवर जो है चंबा वैली में फ्लो करती है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसस 2011 यानी 2011 के सेंसस से पूछा गया है। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश वाज 20.23%, बिल्कुल सही है। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट वाज इन कानपुर नगर, ये स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ यूपी लॉन्ग ग्रेसेस ऑफ सवाना टाइप यानी सवाना टाइप की जो लंबी घास है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये है तराई का मैदान या तराई रीजन।
बढ़ते हैं कुछ अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ भी आपको मैच करना है, मैच वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट काफ़ी इजी होते हैं। आपको एक या दो सही मैच को फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन मिनरल और उससे डिस्ट्रिक्ट से लिए गए हैं, तो आपको बताना है कि सैंड स्टोन यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो ये है मिर्ज़ापुर। बात करते हैं कॉपर की, तो ये ललितपुर में मिलता है। डायमंड की बात करते हैं तो सोनभद्र में मिलता है। तो डायमंड की बात करते हैं तो ये बांदा में मिलता है, ना कि सोनभद्र में। कोल जो है वो सोनभद्र में मिलता है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं इसका आंसर सी है। आप आंसर पा क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। रामगंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दूधतोली रेंज ऑफ हिमालय। बिल्कुल करेक्ट है। बेतवा मीट यमुना रिवर नियर इटावा। ये गलत है, बेतवा रिवर नहीं, चंबल रिवर है जो यमुना रिवर में इटावा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच। ट्राइब दी गई हैं और स्टेट, आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे जो दो ट्राइब हैं, नायार जो कि केरला में मिलती है, कोनियाक जो कि नागालैंड में मिलती है, ये दोनों सही हैं। अब बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि केरिया और लखेव जो ट्राइब हैं वो किस स्टेट में मिलती हैं भारत के। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट रिवर है इसमें जो दी गई हैं वो कृष्णा रिवर है, जो कि साउथ इंडिया में है, जो कि वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में ट्रेन करती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है इसमें कौन से सही है कौन से गलत। कोस्टल एरिया फ्रॉम मैंगलोरू टू कन्याकुमारी इज कॉल्ड मालाबार। बिल्कुल सही है। मैनी बैक वाटर आर फाउंड एट कोंकण कोस्ट विच आर कॉल्ड कयाल। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, इसका स्टेटमेंट पहला सही है। अगले क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको सही मिलान करने हैं। कुछ माउंटेन पीक्स दी गई हैं और माउंटेन रेंज आपको मिलाना है कि कहाँ पे कौन सी पीक किस माउंटेन रेंज में मिलती है। बात करते हैं गुरु शिखर की, तो दोस्तों ये अरावली की चोटी है या पीक है, जो भी आप सभी लोग जानते हैं। सबसे इजी यही था मिलाना। बात करते हैं धूपगढ़ की, तो ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक की बात करते हैं तो ये मैकार रेंज की चोटी है। कुदेरमुख ये साउथ सह्याद्री। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशासन और रीजन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं या एक। विंटर रेनफॉल इन प्लेन ऑफ नॉर्थ नॉर्दर्न इंडिया इज कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये सही है दोस्तों। ठीक है, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून इज मोर पावरफुल देन द अरेबियन सी। दोस्तों ये भी सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, इसलिए बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड वाज इस्टेब्लिश इन विच ईयर, यह है 1985। कंट्री और उनकी कैपिटल दी गई है, आपको सही मिलान करना है। ब्रुनेई की जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी। सेचल्स की जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है।
बुर्किना फासो की जो कैपिटल है कांदुगाऊ है, एंड स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है स्विट्जरलैंड की दिए बुर्किना फासो की दोस्तों है ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाटरफॉल और कंट्री से रिलेटेड, बताना है कौन सा वाटरफॉल किस कंट्री में मिलता है। इसमें से चार ऑप्शन देंगे आपको फाइंड आउट करना है, इसमें से मैच कौन सा नहीं करता। तो एंजल जो वाटरफॉल है वो वेनेजुला में नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज सिचुएटेड बिटवीन नॉर्थ सी एंड एम्स्टर्डम, तो यह है न्यू वाटरवे कैनाल। हु इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेम्बर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, तो गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट ये इंटर स्टेट काउंसिल में इंक्लूड नहीं होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज और होम मिनिस्टर ये इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर, आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कौन सी होती हैं। यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज ये भी सही है, अमेंडमेंट इन वोटर लिस्ट ये भी इलेक्शन कमीशन का वर्क है, और वोटर अवेयरनेस ये सारे वर्क जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आर्टिकल से उनके अंदर कौन सा प्रोविज़न आते हैं आपको सही मिलान करके बताना है। तो आर्टिकल 3 एंड 15 इसके अंतर्गत आता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन स्टेट 315, जिसके अंतर्गत यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम आते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 316 की, जिसके अंतर्गत अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफिस ऑफ मेंबर्स आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। बात करते हैं 317 की आर्टिकल की, तो इसके अंतर्गत सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, उनको उनके पद से हटाया किसके द्वारा, रिमूव किसके द्वारा किया जा सकता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला स्टेटमेंट है आर्टिकल 318, इसके अंतर्गत जो टर्म ऑफ सर्विस होती है पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स की वो आती है। लिखिए क्या पता एनालाइजिंग कोई एडिट हो जाएगा।